ओम शांति। आज हम ऐसी बातें सुना रहे हैं जिस पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। धोखा ही दुख का कारण बन जाता है। किसी भी रूप में हमें धोखा मिले, चाहे वो व्यक्ति से मिले, वस्तु से मिले, धोखा ही हमें दुख का अनुभव कराता है। चाहे कोई यहां मित्र भी होगा, कोई पैसा लेन देन करके अगर धोखा देते हैं तो मित्र भी होगा वो दुश्मन में बदल जाता है। बड़े रूप में अगर कोई धोखा मिलते हैं लोग सहन नहीं कर सकते हैं। लोग मारने मरने तक आ जाते हैं, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। देखते हैं दुनिया में कोई प्यार में भी अगर धोखा मिलते हैं तो लोग मरने मरने तक आ जाते हैं, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। कितने ऐसे दुनिया में सुसाइड करके मरते हैं, अब देखते हैं। तो हमें ना किसी को धोखा देना है ना हमें किसी से धोखा खाना है। अभी हम किसी को धोखा नहीं देंगे, इस बात पर हम ध्यान देंगे, लेकिन हमें दूसरे से धोखा ना मिले उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अंदर एक बाहर दूसरा, जो दूसरे से हमें धोखा ना मिले उसके लिए हमें क्या करें? उसके लिए हमें दो बातों को अपनानी है, एक है परखना और दूसरा है निर्णय करना। कोई व्यक्ति को या वस्तु को जो बात जैसी है उसे हमें परखना है और निर्णय करना, माना उसके परखने के बाद उसके हमें डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, फैसला लेना है, माना डिसाइड लेना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और इन दोनों बातों को अपनाने के लिए, परखना और निर्णय करना, इन दोनों बातों को अपनाने के लिए और दो बातें चाहिए। एक है साइलेंस और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। अर्थात जब हम कभी बहुत आवाज में आ जाते हैं, बहुत बातों में आ जाते हैं, तो हमारी परखने की शक्ति कम हो जाते हैं, दूसरों को हम परख नहीं कर सकते। और अगर मन में अगर हलचल है, अस्थिर है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए साइलेंस चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए, अर्थात शांत मन और एकाग्रता चाहिए, तभी हम परख सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं। और इन दो बातों को अपनाने के लिए एक बातें चाहिए, वो है एकांत। जब हम कभी एकांत में जाते हैं, साइलेंस में होते हैं, और साइलेंस में हमें टच होता है, कोई अगर हमने गलती भी की होगी तो हमारे मन में वो रिवाइज होते हैं कि ये हमने गलती कर ली, और कोई भी बात होने वाली भी हो वो हमारे मन में टच होता है। तो इसीलिए कभी भी दिन में सुबह या शाम समय लेके हमें एकांत में बैठना है और मन में हमें मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है। तो जो बात जैसी है हमारे मन में टच होगा और परख भी सकेंगे और निर्णय भी कर सकेंगे, धोखा से हम बच सकते हैं। अब यह है कि हमें दूसरों को धोखा नहीं देना है ना धोखा खाना है। अब हमें अपने को भी धोखा नहीं देना है। अपने को हम कैसे धोखा देते हैं? कोई बात अगर जरूरी होती है लेकिन हम चला लेते हैं, टाल मटोल करते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, तो क्या हर्जा। इस प्रकार से अगर हम चलाते हैं, कोई विशेषताएं हमसे छूट जाती हैं, तो हम अपने को भी इस प्रकार से धोखा ना दें। ओम शांति।